नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम गौरा पंचायत में हैं और गौरा पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना वायरस जो कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व को तहस नहस कर रखती है, देश की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। इस भयावह स्थिति में सारे लोग अपने आप को काफ़ी सतर्कता से और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और यहाँ के मुखिया काफ़ी ही ओजस्वी और तेज तरार हमेशा समाज सेवा में अपने आप को लगाए रहते हैं और इन्होंने अपने पंचायत को किस तरह से जागरूक किया है लोगों को और यहाँ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये जानते हैं। शुरू में जो लोग आए उन लोगों को जांच करा करके और सैटेलाइट केंद्र खोला गया है जिसमें चार पांच आदमी अभी रखे गए हैं। हम आइसोलेशन वार्ड कहाँ बनाए हैं? स्कूल में गांधी से। अच्छा अच्छा, उसमें लोग हैं? हाँ हैं, चार पांच हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ हम अपने से घूम घूम करके डोर टू डोर साबुन का बंटवारा किए। अच्छा। ये चूना और छिटो आए, ब्लीचिंग पाउडर छिटो आए, अपने से घूम करके चारों तरफ सारे पंचायत में। दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के लिए हम राशन भी मंगवा दिए हैं, प्रत्येक आदमी को फ्री में 2 महीने का राशन मिलेगा। बटा तो नहीं है लेकिन मिलेगा राशन, तो जैसे कि सरकार का कहना है कि 3 महीने का मुफ्त में राशन मिलेगा, तो अभी 2 ही महीने का है। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के लिए जागरूक करके सबको डोर टू डोर घर घर जा कर के हमने सब लोगों को समझाया कि भाई अलग अलग रहना है, खांसी और ऐसी जो खटका है उसे 1 मीटर की दूरी पर रहो और आपस में संपर्क कम करो, नाक कान छूना मना है। हमने बहुत सारा उपाय किया है और कोरोना के चलते सारा जो काम है ठप पड़ गया है, कोई काम हो नहीं हो रहा है, जरूरियात काम भी ख़त्म हो गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और इस परेशानी के तो ऐसी महामारी है, इसे तो आदमी लाया नहीं है जो किसी का दोष दिया जाए, तो सरकारी ही तो भगवान का दोष है, भगवान के चलते ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मुखिया जी जानना चाहेंगे, जो वैसे भी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए क्या आपने क्या है? यही गलत हुआ है जो राशन आया है सरकारी, वो उसमें लोग क्या किए हैं कि डीलरों को दे दिए और डीलर जो है सो कहता है कि आपका एथिन नहीं है, इसलिए ये राशन मुखिया के हाथ में आना चाहिए और मुखिया जिसका एथिन नहीं है उसका भी लिस्ट बना करके उसको देगा तभी ना उन लोगों को फायदा होगा और ऐसा बात नहीं हो रहा है। पंचायत में क्या और समस्या हो रही है आपके नज़र में? बहुत समस्या है, पानी की समस्या है, पानी अच्छा नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि दवा डॉक्टर आता है उससे पूछते हैं कि दवा दारू कुछ है, तो कहते हैं नहीं, हम लोगों के पास तो कुछ दवाई नहीं है। यहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं? जांच का व्यवस्था आता है, डॉक्टर आता है दिन पर दिन। आपके यहाँ जो आइसोलेशन सेंटर में जिन लोगों को ट्राइन किया गया है उन लोगों को अभी तो इस तरह का कोई सर्दी ना उस तरह का कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से लोग आए। हाँ। इसलिए हमने उसे वहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखा है, सारा उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था वहाँ। हाँ, वहीं से हो रही है। आप देख रहे हैं हमारी बात हो रही है, गौरा पंचायत के मुखिया जी हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने पंचायत को देख रेख करते हैं। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है किसी विद्यालय में, वहाँ पे रखने का काम करते हैं जहाँ पे खाने पीने की सब व्यवस्था है। मुखिया जी ने अपने तरफ से मास्क वगैरह का भी वितरण किया है, साबुन वगैरह का भी वितरण किया है, साथ ही साथ इनका कहना है कि अनाज वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है, सब लोगों को राशन वितरण भी किया जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सदैव हम तत्पर हैं। थोड़ी सी सरकार की भी सपोर्ट होती तो अच्छा होता, क्योंकि ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि आप बाहर ना निकले, जब ज़रूरत हो तो बाहर निकले और बाहर निकले तो परिवार का कोई एक सदस्य बाहर निकले, बाहर निकले तो मास्क का यूज़ करें। दूसरा चीज़ कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, हम तो बराबर आप लोगों से कहा करते थे और अभी भी कहा करते हैं कि 1 मीटर की दूरी हमेशा मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंस जरूरी है क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ही होता है। और जब भी आप घर जाए या नाक मुंह कान छूते हैं तो इसके पहले अपने हाथ को साबुन से धोइए, प्रयास कीजिए कि नाक कान मुंह हाथ छूने की जरूरत न पड़े। हमने अपने से साबुन बांट करके और प्रयास किए हैं लोगों को हाथ मुंह धोने के लिए, साबुन बंटवाए हैं, करीब 1000-1200 साबुन बंटवाए हैं। जी।
मुखिया जी लगातार लगे रहते हैं और हमेशा इनकी इच्छा है कि हम अपने पंचायत में सारे लोगों को सुरक्षित देखें, और इसके लिए ये जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं। साबुन देते वक्त हाथ धुलाते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे इस बीमारी से बचना है। ज़्यादातर लोगों को उन्होंने अपने मैसेज से संबोधित किया कि आप बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, घर में आए तो साबुन से हाथ धोए, नाक मुँह कान नाक न छुए, और इस तरह सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी पंचायत में अभी तक कोई संक्रमित मरीज नहीं है, कोई किसी को भी कोई बीमारी नहीं है, सब लोग ठीक है, और लगातार हम सदैव तत्पर हैं इन लोगों की देखरेख में। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि निशाना सरस्वती कैमरामैन विकास के।